मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ। सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छपड़ा लवट के ना जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। पटना एयरपोर्ट पर नेताओं की गहमागहमी काफी बढ़ गई है और इस बीच आज भोजपुरी के नायक और भोजपुरी के सिंगर खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वो मुंबई जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान तेजस्वी यादव को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि भाई जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए खेसारी लाल कई जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बदलाव होना जरूरी है, बिहार में रोजगार की बात होना जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो खेसारी लाल यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि अब बिहार में रोजगार की बात होनी चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिए खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। प्यार बा, मोहब्बत बा, बस रोजगार नहीं है, एक खातिर हम सबके एक होके काम करे के पड़ी और ओकरा खातिर जनता दोषी बा। हर 5 साल पर सरकार बदली तो शायद सरकार के भी डर रही कि जौना घर में हम लोग रह रहे हैं उस घर को हमें साफ रखना होगा, उस घर के पर्दा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उस घर के टेबल का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बिहार में बहुत कुछ बा, अगर पब्लिक चाह दे तो बिहार से बेहतर कोनो राज्य ना हो सकेला। सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छपड़ा लवट के ना जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। हमें व्यवस्था मिले या ना मिले, हमारी बिहार की जनता में इतनी प्यार है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम नेताओं के चलते अपने आप को और अपने लोगों से बगावत ना करें, हम यही चाहते हैं। और हर साल सरकार बदलिए, शायद उन्नति अपने आप हो जाएगी। मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ। अरे तो चुनाव प्रचार जो मेरे अपने हैं मैं उनके लिए जाता हूं, किसी पार्टी के लिए नहीं जाता। जो जिनको मैं मोहब्बत करता हूं, जिनसे मेरा लगाव है, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में काम आया है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। क्या लगता है जिस प्रकार नीतीश कुमार ने काम किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? देखिए मैं संतुष्ट, मैं तो बिहार में बहुत कम रहता हूँ, पहले रहता था, अब तो कम रहना होता है क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र बॉम्बे हो गया है। बट अब यहाँ के जनता को जो परेशानी हो रही है पूरे देश को पता है। मुझे लगता है कि अगर अच्छा कार्य होता तो परेशानी हमें क्यों होती। आज मैं जो बॉम्बे जा रहा हूँ, शायद अगर फिल्म सिटी और फिल्म नीति यहाँ होती तो शायद खेसारी लाल के बच्चे भी यहाँ पढ़ते और खेसारी की बीवी भी यहाँ होती। बहुत राजनीति हो गया क्या खेसारी जी, आपका क्या मत? ये मौत पे राजनीति करना तो मैं इसके लिए तुच्छा बोलूंगा इसको कि मौत पे राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए। और मेरे कहने का मतलब कि आज फिल्म सिटी और अगर फिल्म उद्योग बिहार में होता तो हमारे सुशांत भाई के घर परिवार के लोग उनके साथ होते और वैसी नौबत नहीं आती। और आज जो राजनीति हो रही है वो शायद उसकी भी नौबत नहीं आती। खेसारी जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ, मैं सबका कर रहा हूँ। मेरे जो अपने हैं, मैं देखिए मैं जिसका प्रचार कर रहा हूँ बिल्कुल अपने हैं। अगर वो बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊँगा। उन्होंने मुझे बुलाया, अभी तक नहीं बुलाया है। जिस दिन वो बुलाएंगे खेसारी अपने आप आएगा क्योंकि वो भाई हैं। मैं जिसको प्यार करता हूँ, मैं क्या बोला वो किस पार्टी से ये मायने नहीं रखता, वो मेरा है ये मायने रखता है। पूरी बिहार की जनता मेरी है। मैं एक तो बहाना होता है प्रचार, मिलना तो मुझे अपने जनता से होता है, मैं अपने जनता के लिए जाता हूँ मिलने, बाकी कोई रीजन नहीं। धन्यवाद। बिहार में बहुत कुछ बा, मोहब्बत बा, प्यार बा, माई भी या बाप बड़े, भैया बड़े, भौजाई बड़े, भवे बड़ी, दीदी बड़ी, चाची बड़ी। बिहार में ऐसा कौन चीज़ नहीं है, रिलेशन सब बेरोजगार नहीं है। बस क्या करिएगा, रोजगार आएगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार, बाय, प्रणाम।